एलन मैडम ओके सर ओके सारी इधर राजेंद्र नगर पुलिस एसपीटी राजेंद्र नगर दोनों मिलके एक गैंग गांजा सप्लाई करने वाला गैंग में पकड़ लिए। ये गैंग अहमदनगर महाराष्ट्र वाले हैं। इसमें मेन आदमी नानावत बानू साहिब निकम अलियास नाना उन मेन आदमी है। एवन है उन्होंने महाराष्ट्र में अहमदनगर में रहने वाले हैं। उन्होंने तीन आदमी के लेके उनका फ्रेंड ए टू जलिंदर मोहन माले उन्हों भी महाराष्ट्र वाले, शुभम चौहान उन्हों भी महाराष्ट्र है, संदीप दगडू वाले उन्हों भी महाराष्ट्र। ये तीनों को लेके उन महाराष्ट्र से लेके वो एजेंसी वैजाग एजेंसी वो एरिया में वहाँ गांजा कलेक्ट करके उनको दे के स्कोडा व्हीकल में महाराष्ट्र पहुँचे बोल के उनको इंस्ट्रक्शन दे के उनको ट्रेन पर चले गया। एवन अपस्करण गए उन्होंने तीनों को कल एग्जिट नंबर 17 राजेंद्र नगर में वो रिलेबल इंफॉर्मेशन में उन्हें पकड़ लिए। वो पकड़ने के बाद 31 पैकेट्स में टोटल गांजा 152 केजेस गांजा मिले उसके पोजीशन से। टू सेलफोन्स रिकवर करें, एक स्कोडा कार रिकवर करें। इसमें टोटल ऑल वर्थ रुपीस अराउंड 50 लाख रहते। उनको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर रहा हूँ आज। ये टीम को एसओटी राजेंद्र नगर टीम को और राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर नागेंद्र बाबू को अच्छा काम करा बोल के सीपी साहब श्री स्टीफन रविंद्र सर, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद और डीसीपी राजेंद्र नगर जयदीश रेड्डी साहब अप्रिशिएट करें उसको। ये पेपर रिवार्ड के लिए भी वो प्रपोजल कर रहा हूँ उसको, वो कैश रिवार्ड भी दे रहा हूँ अभी। ये लोगों के पहले से भी कुछ किया इसका वो जलिंदर मोहन के ऊपर एक गांजा के संगारेड्डी में पुलिस स्टेशन में थाने पर है। और ये संदीप डगड़ू के ऊपर 300 महाराष्ट्र में है बोल के वो वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। उसको जेल में पेश करने के बाद पुलिस कस्टडी ले लेके कोर्ट से वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ डिटेल्स है तो बोल देता हूँ। सर उन्हें हैदराबाद भी सफर कर हैदराबाद तो नहीं मालूम था अभी तक नहीं बोले, सो वेरीफाई कर रहा हूँ।